दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैक की रूबी वो लिपस्टिक खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है कि दोस्तों आपको ये लिपस्टिक खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत एक हाई प्रोडक्ट है मैक का। तो दोस्तों अगर बने रहे इन तक इस वीडियो के साथ, तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि मैक एक बहुत ही हाई एंड ब्रांड है। इसके ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट कॉस्टली आते हैं और मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये है मैक की रूबी वो लिपस्टिक। जी हाँ दोस्तों, इसे मैंने नायका से परचेज किया था 1050 में। जी हाँ दोस्तों, 1050 में ये है मैक की मिनी लिपस्टिक रूबी वो, और इसकी जो बड़ी वाली बुलेट आती है वो 1700 रुपए की आती है। जी हाँ दोस्तों, और 1050 में हमें 1.8 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कितनी छोटी सी ये लिपस्टिक है। ये माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मेसी है क्योंकि एक बार अप्लाई करते समय मुझसे ये लिपस्टिक गिर गई थी, थोड़ी सी मेसी हो गई थी। जी हाँ, और दोस्तों इस समय मैंने यही लिपस्टिक अप्लाई किया हुआ है। ये आपको मेरे कैमरे में थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा है, बट दोस्तों ये ऑरेंज नहीं, ये रेड कलर है। बहुत ही सुंदर कलर है, नो डाउट, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। लिप्स अगर आप एक बार लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे ये प्रोडक्ट वर्थ बाई नहीं लगता है। दोस्तों मैंने इसे काफ़ी यूज किया हुआ है लिपस्टिक, बहुत पहले मैंने इसे खरीदा था तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ये लिपस्टिक आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है और हमें उसमें बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलता है। तो दोस्तों मेरा 3 रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये लिपस्टिक वर्थ बाई नहीं लगती है। दोस्तों मेरा जो पहला रीज़न है वो ये कि अपना रीज़न दोस्तों मेरा यही है कि ये बहुत ही कॉस्टली है। 1050 पे करके हमें एक बहुत ही कम क्वांटिटी मिलती है, जो कि मुझे सही नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा पे करके हमें एक छोटा सा मिनी सा लिपस्टिक मिलता है और उसमें 1.8 ग्राम प्रोडक्ट ही मिलता है हमें। तो दोस्तों इसलिए मुझे ये वर्थ नहीं लगता। और दोस्तों मेरा जो सेकंड रीज़न है वो ये कि ये लिपस्टिक ड्राई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लिप्स ड्राई हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया तो वो आपके और फटे फटे लिप्स दिखेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लिपस्टिक आपके लिप्स पे बहुत ही मतलब कि अजीब लगेगी। और दोस्तों ये ऐसे अप्लाई करने में बहुत ही मतलब अच्छे से अप्लाई नहीं होती है, ये बहुत ही ड्राई फील होता है। और दोस्तों मेरा जो थर्ड रीज़न है वो ये कि ये ट्रांसफ़र होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 1050 अगर हम इतना पे कर रहे हैं वो भी मैक जैसे ब्रांड से, तो दोस्तों एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लिपस्टिक ट्रांसफ़र प्रूफ हो। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये लिपस्टिक नहीं है, तो मुझे दोस्तों ये बिल्कुल नहीं वर्थवाई लगता। और दोस्तों मार्केट में बहुत सारे इसके ट्यूब अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड के पड़े हुए हैं। मुझे लगता है शुगर में बहुत अच्छे रेड कलर आते हैं, शुगर में है, और मेबलिन में भी आते हैं कलर, लैक्मे में आते हैं बहुत सारे कलर्स, और बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आते हैं। तो दोस्तों हम इतना ज़्यादा हम पे क्यों करें, हम वो भी जो इतना हमें कम प्रोडक्ट भी मिलता है और ट्रांसफ़र भी होता है और ड्राई भी है लिपस्टिक। तो दोस्तों ये था मेरा रीज़न जिसकी वजह से मुझे ये लिपस्टिक वर्थ बाई नहीं लगती है। और दोस्तों आपकी क्या राय है, अगर आप ये लिपस्टिक यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या राय है इस लिपस्टिक के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और तो दोस्तों ये था मेरा इस प्रोडक्ट के बारे में मेरा अपना ओपिनियन, जो कि मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मैंने इसे यूज किया है काफ़ी। तो दोस्तों और दोस्तों मैक पे क्या होता है कि ऑफर भी बहुत कम ही रहता है। आप नायका पे मैंने देखा है, बहुत कभी कभार ही होता है जो इस मैक के प्रोडक्ट पे ऑफर आते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट इसकी जो हमेशा जो एक प्राइस रहता है उसी प्राइस में इसके सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी राय इस प्रोडक्ट के बारे में, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों
अगर दोस्तों ये वीडियो आपके काम की लगी हो, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो इस प्रोडक्ट को खरीदने में, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिएगा और मेरे आगे की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।